नमस्ते सभी मीडिया बंधु। और आज हमारे यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। राजस्थान यूनिवर्सिटी एक पहली यूनिवर्सिटी है जिसने किन्नर को, ट्रांसजेंडर को एडमिशन दिया है, और उसी के उपलक्ष्य में आज एक प्रेस वार्ता नूर शेखावत की ओर से है, जिसमें आप सभी का अभिनंदन है। और जिस तरह कहा जाता है कि एक सफलता के पीछे, महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है, पुरुष की सफलता के पीछे महिला का हाथ है, ऐसे ही आज पहली स्टेज पे नूर की सफलता के पीछे जो पहला एक स्टेज जो आज पास हुआ है, उसके पीछे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मीडिया ने जितना साथ दिया है उसके लिए ही आज नूर आप सबके सामने उपलब्ध हुई है। वो आपको बता ही रही कि किस तरह से बचपन से लेकर और अभी तक का जो उसका सफर रहा है। तो मीडिया, नमस्ते सबको। जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे न्यूज़पेपर में मेरा आ रहा है, मेरा नाम नूर शेखावत है, मैं जयपुर से ही हूँ। अभी रिसेंटली जो मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं वो ये रहे हैं कि मेरा ऑल ओवर इंडिया में मैं फर्स्ट ट्रांसजेंडर, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना। अलॉन्ग विद डेट राजस्थान में मेरी जितनी भी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, जैसे कि आप राशन कार्ड ले लो, जन आधार ले लो, आप बॉनफाइड सर्टिफिकेट ले लीजिए, डीए ले लीजिए, और भी चीज़ें ले लीजिए, उन सब में मैंने अपने पोर्टल्स ट्रांसजेंडर्स के लिए एड ऑन करवाए हैं। उसके बाद फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट आइकन बनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे। उसके बाद फिर जो अभी मेरा जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ तक यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है। तो ये एक प्रोसेस है मेन स्ट्रीम में जुड़ने का, आप लोगों के बीच इक्वल जो राइट्स हम चाहते हैं उनसे जुड़ने का। तो आगे जो मेरा प्रोसेस रहेगा वो यही रहेगा कि आप लोगों के बीच हम लोग काम भी करें, पढ़ाई भी करें, रहें भी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग जानते हैं कि इतने सारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अभी राजस्थान में आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी किसी भी पॉश एरिया में उनको घर रेंट पे भी नहीं देते हैं। ठीक है, एडमिशन मैंने लिया, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी। हालाँकि एक नॉर्म्स एंड रूल्स को चेंज कर देने वाली बात होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनके लिए भी बड़ा ही वो था, मतलब पहला केस था सबके लिए। तो उन्होंने लेकिन अपना जो प्रयास किया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, ये उनका बहुत बड़ा एक स्टेप है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, क्योंकि इंडिया में ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एक ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन दिया है। मेरा नाम नूर शेखावत है। अभी हमने रिसेंट हमने बात की थी कि जो अचीवमेंट्स मैंने प्राप्त किए हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर्स के लिए एक नई बात है। मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, जो कि इंडिया का पहला बर्थ सर्टिफिकेट है एक ट्रांसजेंडर का। अलॉन्ग विद दैट राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट आईडीज़ हैं, ऑफिशियल आईडीज़ हैं, आप राशन कार्ड ले लो, आप जन आधार ले लो, तो उन सब में भी आई एम द फर्स्ट वन जिन्होंने वहाँ पर पोर्टल खुलवाया है ट्रांसजेंडर्स का। उसके बाद मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुझे डिस्ट्रिक्ट आइकन बनाया गया। फिर उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी में आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर जिसको एडमिशन मिला। तो हम यही बात अभी कर रहे थे कि इंडिया की ये पहली यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसने एक ट्रांसजेंडर को, एक किन्नर को प्रवेश दिया, एडमिशन दिया। ठीक है, उसके अलावा जो अभी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि अभी आप देखेंगे कि टीकाराम जूली सर जो हैं, जो हमारे मंत्री हैं, तो उन्होंने 10 करोड़ का बजट पास किया था, है ना, जिसमें एक ट्रांसजेंडर को पर्सनली उसको 2.5 लाख रुपये दिए जाएंगे सर्जरी के, पेंशन का पैसा उसे मिलेगा पर मंथ, ठीक है, और उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बात है आज से ठीक 5-6 महीने पहले की, शायद ज़्यादा भी हो गया है। उन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही अनाउंसमेंट की थी अलवर में। बट मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, अनाउंसमेंट तो उनकी तरफ से हो गई, ये बहुत अच्छा स्टेप है, उस चीज़ के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। हमारी सोसाइटी, जो हमारी कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। लेकिन उसके पीछे का जो तथ्य है, आप देखिए कि अगर कोई भी हम गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ते हैं उसके लिए जन आधार में आपका एड ऑन होना बहुत ज़रूरी है, पर जन आधार तो बन ही नहीं रहा था, तो पेंशन तो उसको मिलती ही नहीं। और रही बात जो इंश्योरेंस है, मेडिकल क्लेम है, वो भी आप उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जन आधार की ज़रूरत पड़ती है, बट उसमें भी जन आधार में ट्रांसजेंडर का पोर्टल था ही नहीं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप भी अगर आप देखेंगे, जब यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस में एडमिशन के लिए सीट रिजर्व ही नहीं है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है, तो वो स्कॉलरशिप का भी क्या करेंगे। तो मेरा ये उनसे निवेदन है, किसी भी मंत्री से, अब जैसे आप जानते हैं सब वोट होंगे, सरकार बदलेगी, ठीक है, नए लोग आएंगे, तो उनसे निवेदन है कि आप पहले ग्राउंड लेवल पर देखिए हमको क्या प्रॉब्लम है,
ठीक है, आप खाली घोषणा कर देते हैं, उस घोषणा का कोई मतलब कोई वो नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि अगर ये इन चीज़ों में अगर ट्रांसजेंडर आगे नहीं है तो फिर उन 10 करोड़ की शायद कोई मायने भी नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया तो मुझे प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आई, ठीक है, जो पर मेरे साथ कुछ एक लोग थे यूनिवर्सिटी के ही, रश्मि जैन मैम है जो सोशल डिपार्टमेंट की हेड हैं, ठीक है, फिर शिवराज जी जो PhD कर रहे हैं, कुछ शर्मा हैं जो यूथ के लिए काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, उन लोगों ने मुझे गाइडेंस दिया, उन लोगों ने मुझे बताया कि किससे मुझे मिलना है, क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट करने हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या था जब मैंने अप्लाई किया था तब ऑनलाइन आवेदन की डेट निकल चुकी थी, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है तो आपको VC सर से मिलना पड़ेगा, स्पेशल रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उनसे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उस दिन एडमिशन कमेटी की मीटिंग बैठी, उस दिन उन्होंने मुझे ये मीटिंग मिनट्स में ये लिख दिया था कि नूर शेखावत को स्पेशल केस मानते हुए उनका आवेदन ऑफलाइन ले लिया जाए। आई थॉट कि वो जो चीज़ थी वही था कि मुझे एडमिशन दे दिया जाएगा। महारानी कॉलेज में गई, वहाँ पे हैंडओवर किया, वो मीटिंग मिनट्स उन्होंने बोला इसमें खाली आपकी ऑफलाइन फॉर्म का आवेदन है। मैं वापस VC सर से मिलने गई, मैं वहाँ पर उनसे मिली, तब उन्होंने वापस से कमेटी बैठाई, एडमिशन कमेटी जो थी, वहाँ 50 प्रोफेसर्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें मीटिंग में जो आए थे उसमें ये अब स्पेशली लिख के आया था कि नूर शेखावत को एज अ स्पेशल केस मानते हुए उनको एडमिशन दिया जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्म्स एंड रूल्स और रेगुलेशन से हम अगर छेड़छाड़ करते तो काफ़ी मतलब इसमें देर लगता है, क्योंकि ये एक पहली यूनिवर्सिटी है, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी जिसने ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे एडमिशन दिया है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि आप सब लोग में से मुख्तबिर होंगे कि मेरा जो पहले नाम था वो आदित्य शेखावत नाम था, मैंने एज अ मेल डॉक्यूमेंट के तौर पे स्कूल में एडमिशन लिया था, तो काफ़ी सारी मेरी ट्रांसजेंडर बहनें हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है तो उन्होंने मेल डॉक्यूमेंट्स पे ही करी हैं ज़्यादा, या किसी ने फीमेल डॉक्यूमेंट्स पे ही करी है, ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मैं पहली ट्रांसजेंडर हूँ इंडिया की जो ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट्स पे, क्योंकि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू ना इतना टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि मेरे स्कूल के TCCC में मेरा नाम आदित्य था, तो पहले मैंने वहाँ पे TCCC में नाम चेंज करवाया, फिर 10th एंड 12th की मार्कशीट में अजमेर बोर्ड जाके मैंने वहाँ पे अपना नाम और जेंडर चेंज करवाया, तब जाके कहीं मेरा सारा पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे रेडी हुए, फिर वहाँ से मैं यहाँ पे इधर आई तो पता लगा कि मेरी ऑनलाइन जो आवेदन की डेट थी वो निकल चुकी है। ऐसे करके मेरा पूरा प्रोसीजर चला, एडमिशन मिला मुझे, बट अभी भी कहीं ना कहीं टीचर्स प्रोफेसर्स उनके दिमाग में क्वेश्चन है कि हमने एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन दे तो दिया, कैसे वो बच्चों के बीच में रह पाएगी। मैंने इस एक क्वेश्चन को चलते ही मैंने इधर मारी कॉजी गर्ल्स जो हॉस्टल है अपने कैंपस में, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ मैंने लड़कियों से बात की। आज मेरा फ्रेशर्स मीट थी, मैं वहाँ गई, वहाँ के फोटोज़ और वीडियोज़ विजुअल्स भी हैं मेरे पास। लड़कियों ने मतलब स्पेशली मेरे लिए सीट रिजर्व करी, मुझे बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया, ठीक है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि देखिए प्रोफेसर्स और टीचर्स के लिए अगर वो ऐसे कहीं से कहीं तक भी अगर ये सोच रहे हैं कि कैसे हो पाएगा, देखिए हमें चांस तो देना पड़ेगा ना, आपके सामने एक खाने की थाली रखी, आप बिना खाया पी कैसे जज कर सकते उसमें नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है। तो मेरा प्रोफेसर्स और टीचर्स से प्रिंसिपल से इनसे यही अनुरोध है कि आप प्लीज़ हमें एक बार चांस दीजिए, मैं भी अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी जिससे उनकी इमेज पर कोई बात आए, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए कि मुझे हर एक चीज़ को सही तरीके से दिखाना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। जो भी अब तक लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, इट्स जस्ट दैट सोसाइटी कम्युनिटी में हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है, इसलिए हम लोगों का नेचर ऐसा हो जाता है। हाँ जी, देखिए अगर मैं स्पेशल केस बन के रहूँगी तो वो स्पेशल उसमें चली जाऊँगी सिनेरियो में ना, मुझे वो स्पेशल केस आप ट्रीट मत करो। हम लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं हमें सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, हमें एम्पैथी की ज़रूरत है, हमें एम्पैथी चाहिए, आप लोगों से सिंपैथी नहीं चाहिए। स्पेशल केस इसलिए माना गया क्योंकि देखिए मेरा जो केस था ना, मैंने 2011 में 12th पास की थी तो एक गैप बहुत बड़ा आ गया था एजुकेशन की लाइन में ना मेरा। दूसरा ये था कि इधर कई लोग को पता भी नहीं है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक लेटर उनको प्रोवाइड कराया है जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं जो मर्जी जिस कास्ट से भी हैं वो सब एक OBC कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन भी रेज हुए कि ये तो पहले तो गैप, फिर दूसरा मेरी परसेंटेज कम आई थी, ठीक है मेरी 37% ही थी 12th में, और फिर उसके बाद जो ये जनरल वाला था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे थे,
तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है। मुझे ही लगा था कि बहुत बड़ी मतलब मुझे घुमाया जा रहा है, बट व्हेन आई केम टू नो कि एक्चुअली में ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, एकदम से चीज़ें चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। और अगर ये चीज़ आगे तक चलानी है उनको, अगर इनको आगे तक चलानी है तो उनको अपने नॉर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस तक में इनको चेंजेस लाने होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि मैं सामान्य स्टूडेंट ही बनना चाहती हूँ, मैं स्पेशल केस नहीं बनना चाहती। मैंने इनफैक्ट आज जब महारानी कॉलेज में गई थी तो मैंने उनको बोलता कि ठीक है अगर सीट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली बहुत लंबा वो बड़ा कैंपस है, 8,000 लड़कियाँ, तो उनको ऑडिटोरियम थोड़ा छोटा पड़ जाता है, काफ़ी लड़कियाँ खड़ी हुई थी। मैंने उनको ये चीज़ बोली कि मैं यहाँ पे खड़ी भी रहूँगी, मेरे को खड़ा रहना अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। उन्होंने ही मुझे वेलकम के तौर पर उन्होंने बोला कि नहीं मैम, आप हमारे को बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारे कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ। उन्होंने वो प्राउड फील कराते हुए मुझे स्पेशल ट्रीट करते हुए मुझे स्पेशल सीट दी। हालांकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं स्पेशल केस बन के रहूँ। हम ट्रांसजेंडर्स ने कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि हमें अलग से आप घर दीजिए, अलग से हमें कैंपस दीजिए या अलग से और भी चीज़ें दीजिए। देखिए अगर मैं अलग की मांग करती हूँ, अलग तो हम वैसे भी रह ही रहे हैं, समाज से तो हम वैसे भी अलग हैं ही। हम लोग चाहते हैं इक्वेलिटी, मेन स्ट्रीम में जुड़ना। स्पेशल केस उन्होंने नाम दिया है, नूर ने उनको ये नहीं बोला कि आप स्पेशल मुझे मानिए। स्पेशल जो नाम दिया है वो यूनिवर्सिटी ने दिया स्पेशल केस, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि गैप था, ठीक है, प्लस कास्टिज्म का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, प्लस मेरी जो मार्क्स ऑब्टेन थे उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो वो एक चीज़ था। तो स्पेशल केस और ऑनलाइन जो डेट थी वो भी निकल चुकी थी, तो काफ़ी सारे इन चीज़ों में मैं फिक्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने स्पेशल केस का नाम देते हुए मेरा एडमिशन लिया है, बट आने वाले टाइम में किसी भी ट्रांसजेंडर को स्पेशल केस ना मानते। मैंने ये चीज़ बोली भी है मीडिया में कि मैं चाहती हूँ कि आई एम द फर्स्ट वन, बट आई डोंट वांट टू बी अ लास्ट वन। मैं पहली ज़रूर हूँ, मैं आखिरी नहीं बनना चाहती हूँ। देखिए आदित्य बन के जो मेरा सफ़र था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ था। एक जैसे कि अगर मैं आपसे एक आपको एक रोल प्ले करने के लिए कह दूं, मैं आपको बोलूं आप एक पुरुष हैं, आप एक महिला का रोल प्ले कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, शायद दो तीन दिन के लिए आप कर लोगे, है ना। आपको मतलब 25 साल 24 साल वो एक रोल में प्ले करना रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक घुटन महसूस होती है कि यार हम जो हैं हम वो नहीं दिखा पा रहे हैं, हम जो नहीं हैं हम वो दिखा पा रहे हैं। तो काफ़ी सारा जो डिप्रेशन में आप आते हो, एंजाइटी होती है आपको कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं अगर लेट सपोज़ कि अगर मैं बाल भी कटवा लेती हूँ, है ना, मैं लड़कों की तरह ड्रेसअप भी हो जाती हूँ अगर, तो मैं लड़का तो नहीं दिखूँगी। मैं ये भी नहीं कह रही कि मैं एक लड़की दिखूँगी, मैं एक ट्रांसजेंडर दिखूँगी। तो उसके चलते जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है अपनी ही सोसाइटी में, स्कूल में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, सेक्सुअली हैरेस भी हुई मैं। ठीक है, हमारे स्कूल के टीचर थे, उनका मैं नाम भी लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे सेक्सुअली हैरेस भी किया, क्लास वाले चिढ़ाते थे। मतलब आप ये देखेंगे अगर अभी भी रिकॉर्ड उठा के मेरे स्कूल का भी, तो वहाँ पे मेरी 10th 11th 12th में इतनी ज़्यादा मेरी अटेंडेंस कम थी, वो इस वजह थी क्योंकि मैं जाती नहीं थी, जाने में ही डर सा लगता था एक बच्चे को, क्योंकि वहाँ पे ऐसे बता दिया जाता है कि नहीं आप मेल भी नहीं हो, फीमेल भी नहीं हो, आप एक थर्ड जेंडर हो। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी उसको एक जैसे कहते ना सराहते नहीं है, टीचर्स भी उनका साथ नहीं देते। घर अगर बात करी जाए मेरी, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं 3 साल की थी, तो मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई है। तो मैं मम्मी को आपकी जब बताती तो मम्मी बोलती थी कि जब आपको बोल दिया गया है आपको ऐसे ही रहना है, तो आप ऐसे क्यों नहीं रहते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ही डांट पड़ती थी, मुझे ही मार खानी पड़ती थी उन चीज़ों को लेके। तो एक स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन अंदर बैठ गया था कि मुझे बात किसी शेयर करनी नहीं है। 2017 में मेरा बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मेरे पड़ोस के घर में किन्नर आए। ठीक है, जब किन्नर आए तो मैं उनसे मिली, उनसे बातचीत करी, उनसे फ़ोन पे कॉन्टैक्ट नंबर हमारे शेयर हुए। तब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग इस समाज में नहीं जी सकते, आप हमारे समाज में आओ, हमारे हम जैसे लोग हैं उनके उठो बैठो। तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब घर छोड़ना है। तो 2017 में मैंने घर छोड़ के मैंने उदयपुर चली गई थी किन्नरों में, तो वहाँ पर मैंने बधाइयाँ भी मांगी, बींग अ ट्रांसजेंडर जो कि लाइवलीहुड करने के लिए एक बेचारी ट्रांसजेंडर करती है बधाई। ठीक है, सेक्स वर्क, बैगिंग करना सिग्नल्स पे, ठीक है, डांस प्रोग्राम्स करना, एक ट्रांसजेंडर के पास एक लिमिटेड ऑप्शंस ही रह जाते हैं। आप देखेंगे अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट मेरा बनना, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में अपने आप एक क्वेश्चन रेज हो जाता है कि एक ही क्या इंडिया में एक ही ट्रांसजेंडर है जो पैदा हुई है, बाकी जो ट्रांसजेंडर्स हैं इतनी सारी आप और स्टेट्स में भी देखोगे और जगह भी देखोगे उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है।
वो ऐसा तो नहीं है कि आसमान से आए हैं या फिर जमीन से निकले, जमीन से पैदा हुए हैं, ऐसा तो नहीं है। वो भी उसी माँ से आए जिस माँ से आप लोग आए हैं, वही तरीका था, वही जरिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप अगर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, आप स्कूल्स में आप देख लो, अभी भी देखो यूनिवर्सिटी में पहली स्टूडेंट हूँ, आप ही कहता हो क्या हमारा बचपन नहीं गुजरता, हम डायरेक्ट तो बड़े नहीं हुए, नूरशेखा डायरेक्ट बड़ी होके तो नहीं आ गई है। देखिए राजनीति में मैं अभी नहीं आना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मुझे मेन स्ट्रीम में जोड़ना मेरा मेन फोकस है, मेरा मेन फोकस है कि ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम में जोड़ना, राजनीति में आके पढ़ जाना और फिर एक सबको उस चीज़ों में मतलब हैंडल कर पाना, वो शायद एक पॉसिबल काम नहीं हो पाएगा मेरे लिए। मेरे लिए अभी मेन मेरा जो मकसद है वो है कि मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आगे लेकर आऊँ, दैट्स इट। हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसफी और सोशियोलॉजी है। हाँ राजनीति में लेके जाएगी, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ईयर महारानी से मतलब ऐसे खड़े होने का इलेक्शन में, पर देखते हैं, लेट सी, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हाल फिलहाल तो मेरा मेन जो फैक्टर है, मेन जो मेरा फोकस है वो एजुकेशन और एकेडमिक्स पे ही है, ये एक बेसिक राइट है जिसके लिए मुझे मांग उठानी पड़ रही थी। हाँ डेफिनेटली मैं लेना चाहूँगी, मैं मेन चीज़ से जुड़ना चाहूँगी, मेरा यही एक मेन जो चीज़ है कि भाई कॉलेज में एडमिशन लेना, आप लोगों को दिखाना कि देखो हम पढ़ भी सकते हैं, देखो हम आप लोगों के बीच में रह भी सकते हैं, आप लोग जितने नॉर्मल मुझे लग रहे हो उतनी नॉर्मल मैं आपको लग रही हूँगी, मैं आशा करती हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में हूँ, बट हाँ देखिए पता क्या होता है, अगर आप ये सोचते हैं कि ट्रांसजेंडर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मोड में होते हैं, वो क्यों होते हैं, आप बचपन से लेके उनके एंड तक आप सफ़र देखिए, हम लोगों को एक, हम लोगों के सामने हमारी फैमिली एक ऑप्शन रख देती है, या तो आप हमारे अकॉर्डिंग रहो या आप ये मतलब हमको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। छोटी सी उम्र में मैं तो फिर भी चलो 2017 में गई थी, कई बच्चे मैंने देखे हैं, तीन तीन चार चार महीने की भी मैंने देखे हैं जो ट्रांसजेंडर्स के पास होते हैं, पाँच पाँच छः छः साल के बच्चे भी देखे हैं मैंने, वो बचपन से ही अपने माँ बाप को छोड़ के ट्रांसजेंडर्स में चले जाते हैं, उनको ना तो स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, स्कूल भी वो चाहते भी है ना अगर स्कूलिंग प्रोवाइड करना तो वहीं पर अटक जाते हैं आके मेल और फीमेल में। अभी जैसे कॉलेज और कैंपस में, अब मैंने उनको ये मेरा इनसे अनुरोध रहा है, मेरा इनसे विशेष आग्रह रहा है कि मेरा जो आईडी कार्ड बन के आएगा महारानी कॉलेज का, उसमें मेरे जेंडर में फीमेल ना डाल के ट्रांसजेंडर डालें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा जो मैं चाहती हूँ। देखिए अगर मैं बात करूं कि उनका नाम लेने की, तो अभी उनकी फैमिली है राइट, और खाली मेरे को स्कूल से ही टॉर्चर या फिर सेक्सुअल हैरेस नहीं किया गया है, मुझे अपने घर में भी किया गया है, ठीक है। मैं नहीं लेना चाहूँगी उनके नाम, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं हमको आस है फिर से जुड़ने की, अगर मैं उनके लिए कुछ नेगेटिव बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी वो आस भी टूट जाएगी, हालांकि वो लोग देख रहे होंगे मुझे, ठीक है। मेरा यही बहुत बड़ा एक उनसे सवाल है, आप इतने सारे लोग हैं, किसी भी अगर गेट टुगेदर सोशल पार्टीज में गए हैं, क्या किसी ने क्या कि इंट्रोड्यूस करवाया मिली मेरी बेटी से ट्रांसजेंडर है, किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा। तो इतने सारे जो लोग हैं, हम लोग क्या, हम लोग को आस नहीं होती फैमिली की, हम लोग को भी आस होती है फैमिली की, हम एक छोटे छोटा मौका ढूंढते हैं। जब मेरी फैमिली से मेरी बात अब तक होती थी जुलाई तक फोन पे भी, जब मेरा पहला बर्थ सर्टिफिकेट आया, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, नेक्स्ट डे भूकंप ही आ गया, अभी जब दो भूकंप के झटके आए थे सुबह 4 बजे के करीब, तो मैंने मम्मी को फोन करके जस्ट ऐसे बोला, मम्मी उठ जाओ भूकंप आ रहा है, घर से निकलो जल्दी से। मेरी मम्मी ने नींदों में भी ये चीज़ कही, तुम जैसे औलाद पैदा हो गई ना, अब तो भूकंप नहीं प्रलय आना है, मतलब नींदों में भी उनको ये चीज़ है कि उनको ये लग रहा है कि मैंने उनका नाम डुबो दिया, क्योंकि अब तक नूर शेखावत को कोई नहीं जानता था। 2 महीने पहले जब मेरे को पहला बर्थ सर्टिफिकेट मिला, तब से पूरा राजस्थान पूरा इंडिया मुझे जानने लगा। उसके बाद से थोड़ा ये था कि फैमिली में जो आना जाना भी था ना, वो ऑलमोस्ट कह लीजिए कि ख़त्म ही हो गया है, कहीं आती आती नहीं हूँ, बट मेरे लिए यही है कि चलो कोई नहीं, कि कुछ कहते हैं ना कि कुछ खोया तो पाया। आप सब लोगों ने मांझी मूवी देखी होगी, वहाँ पे वो जो उसका हस्बैंड होता है वो पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाता है अपनी वाइफ के लिए, उसकी वाइफ मर जाती है, उसके बाद वो रास्ता बनाता है और लोगों के लिए। तो सेम मेरी लाइफ में भी यही है, हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, मैं उन हर्डल्स के लिए तैयार हूँ, बट ये है कि आने वाले टाइम में मुझे अच्छा लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट जैसे नूर ने खुद जाके बनवाया ना एट द एज ऑफ 31,
तो एट द एज ऑफ लाइक जब वो बर्थ लेगा वो बच्चा ना, तब माँ बाप जाके बनवाए. आज जैसे हर बच्चे के साथ उसके माँ बाप आते हैं कॉलेज में स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए, वैसे माँ बाप खुद आगे आए उनका एडमिशन करवाने के लिए. गेट टुगेदर्स में आपको भी ट्रांसजेंडर्स मिले, आपकी कॉलोनीज, आप इतने सारे लोग हैं, मुझे बताइए आपकी किसकी कॉलोनीज में कोई ट्रांसजेंडर रहता है? नहीं रहता. और वही समाज आपके जब घर आता है तो आप कितना आदर सत्कार करते हैं, पैर छूते हैं. मैंने जब बधाई मांगी थी उदयपुर में, मैं बड़े बड़े राती रजवाड़ों के घर में भी गई, ठीक है, बड़े बड़े हवेलियों में गई, कोठियों बंगलों में गई. वहाँ पे लोग मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते थे, मैं ऊपर बैठती थी वो लोग नीचे बैठते थे, पैर छूते थे बुजुर्ग लोग भी, है ना. लेकिन वही चीज़ है मेरे लिए एक सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ के जा रही हूँ कि देखो आशीर्वाद आप सबको चाहिए, घर में पैदा हो जाए वो किसी को नहीं चाहिए. क्यों? इसका जवाब मेरे, हम ट्रांसजेंडर के पास नहीं है, इसका जवाब आप सोसाइटी के पास ही है. क्या वो माँ मुझसे अलग रहना चाहती है? वो माँ मुझसे अलग रहना नहीं चाहती, लेकिन जो सोसाइटी है ना वो उसको मजबूर कर रही है. आज जैसे लोग मजबूर कर रहे हैं उसको मुझसे दूर रहने, वो चीज़ है. तो कभी सोच के देखिए एक ट्रांसजेंडर पर जो बीतती है, कैसे अपनी फैमिली से अलग रहती है, कैसे दुनिया को फेस करती है. मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आई नो कि इतना वेलकमिंग है, बट दिल में अभी भी वो खालीपन कि मेरी फैमिली आज होती तो वो कितना खुश होती, बट उनके फोन्स भी नहीं आते मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए. दुनिया भर के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह, बट फैमिली नहीं है. तो इस चीज़ का बहुत बड़ा लड़कियाँ समझ सकती हैं, वो तो फिर भी जब अपनी शादी अपना घर छोड़ के आती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली से फिर भी कनेक्टेड रहती हैं. हम लोग वो भी नहीं रहते हैं, वो भी नहीं रहते. हाँ जी, देखिए मेरी मम्मी देख रही है और भी जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, उनकी फैमिली भी देखे होंगे. तो मेरा यही है कि देखिए हमको ना बुरा नहीं लग रहा, हम सोचते हैं आपको अपने किया, और हम छोटे भी इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें जानते हैं हम अपने लोगों में खुश रहेंगे, लेकिन आपका सोसाइटी में हम लोग नाक नीचा नहीं होने देंगे. और वो सोसाइटी आप लोगों से ही है. आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, अगर एक दिमाग में चीज़ लेके जाएंगे कि अगर किसी घर में अगर ट्रांसजेंडर है तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिएगा. किसी को ऐसे मत मजबूर कीजिए कि वो, मतलब अभी आपने 3 दिन पहले देखा होगा एक ट्रांसजेंडर को मार दिया गया, जला दिया गया था. वो न्यूज़ हाईलाइट नहीं हुई. क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रांसजेंडर्स के वोट्स कम है. क्या हम इंसान नहीं हैं? ये समाज कैसा है मुझे समझ में नहीं आता. देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स का एग्जिस्टेंस कल से हुआ. ट्रांसजेंडर्स देखिए जब मुगल आए और गए तब भी थे, ब्रिटिश आए और गए तब भी थे. ट्रांसजेंडर्स का वजूद शुरू पौराणिक कथाओं से देखेंगे तब से है. अगर हमको एग्जाम्पल देना है तो क्यों ना हम एग्जाम्पल दें उस श्रीखंडी का महाभारत में, राजा द्रुपद का. उसने तो अपनी बेटी को नहीं छोड़ा, श्रीखंडी को उन्होंने नहीं त्यागा, उन्होंने श्रीखंडी को रखा साथ में, और द्रौपदी और श्रीखंडी को साथ एक जैसा ही रखा, कोई भेदभाव नहीं रखा. तो मेरा यही उनसे अनुरोध है, प्लीज, मैं ये नहीं कह रही कि हम श्रीखंडी जैसे हैं, बट हम उनकी उड़ कर भी नहीं सकते. वो एक बहुत अच्छी वॉरियर थी, बट आप हमें एक बार मौका देके देखिए. ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो रहता है लिया है मेरे लिए और मेरे समाज के लिए. हम आगे आना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि हमारे को मतलब ऐसे लोग ट्रीट करें जैसा हमको अभी ट्रीट किया जा रहा है. हमको रेंट पे, अगर मैं कहीं पे जाती भी हूँ ना रेंट पे रूम लेने, हमको रेंट पे रूम भी नहीं दिया जाता है. अब जो मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि एजुकेशन के सेक्टर में मैंने बहुत ये एक स्टेप इतना अच्छा लिया है. अब मेरी नेक्स्ट मांग रहेगी जो जनावास योजना है मुख्यमंत्री के तहत, उसमें भी ट्रांसजेंडर्स को रखा जाए. जैसा कि आपने मुझे बोला स्पेशल केस, हम स्पेशल नहीं बनना चाहते. हम नहीं चाहते हमारे लिए अलग से कैंपस हो, अलग से हमारे लिए सोसाइटी हो, बट हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में हम लोग रहना चाहते हैं. मेरा बस वही एक मेरा मोटिव है, वो एक मोटिव लेके चल रही हूँ. कोई इस चीज़ के लिए देखिए गिला तो मुझे हमेशा रहेगा, लाइफ लॉन्ग रहेगा कि मेरी फैमिली छूट गई है, बट मुझे खुशी इस बात की आएगी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मेरी कम्युनिटी के लिए कुछ किया. आज हम बात करते हैं महिलाओं पे, दलितों पे, बुजुर्गों पे, विधवाओं पे, हर चीज़ पे हम लोग बात करते हैं, बट जब बात आती है ट्रांसजेंडर की हम लोग शायद कहीं ना कहीं छुपी साध ही लेते हैं. तो मेरा यही एक चीज़ है कि प्लीज़ आज जो यहाँ से आए हैं ना वो अगली बार ना आए किसी ट्रांसजेंडर के आँख से.
ठीक है, थैंक यू।